नमस्ते, मैं टीवीएस क्रेडिट से प्रिया बोल रही हूँ। आप 30,000 रुपए का पहले से मंजूर व्यक्तिगत ऋण के लिए योग्य है, केवल न्यूनतम दस्तावेज के साथ। यदि आप रुचि रखते हैं तो 1 दबाएं और यदि आप रुचि नहीं रखते हैं तो 2 दबाएं। नमस्कार सर, मैं टीवीएस क्रेडिट की ओर से सलोनी बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात फुरकान जी से हो रही है? जी सर, आपने मोबाइल फाइनेंस करवाया था जिसमें सभी किस्तों का भुगतान आपने समय पे किया है। इस रिकॉर्ड को देखते हुए टीवीएस आपके लिए 3,000 रुपए पर्सनल लोन का ऑफर लेके आया है, जिसकी जानकारी देने के लिए मैंने आपको कॉल किया। सर, जो लोन का अमाउंट है वो 30,000 रुपए और महीने की जो ईएमआई बनेगी 1,450 रुपए बनेगी। इसके अलावा सर, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, घर बैठे आपकी प्रोसेस हो जाएगी। और अगर आप अभी ट्रांसफर करवाएंगे ना तो 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। नहीं, लोन वोन तो लेना नहीं है, पर ये हमें परेशानी है इसकी, हमारी जो फोन की किस्त कट रही है। अच्छा तो सर, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मैं अपनी प्रोसेस करवा दूंगी, इसमें आपके जो फोन की किस्त है ना वो अमाउंट नहीं कटेगा। अच्छा, हमें तो लोन लेना नहीं है। नहीं लेना है? जान सकते सर क्यों नहीं लेना चाहते आप? क्या बिना फालतू के झंडे पालेंगे बिना? हाँ, लेने लोन क्या करेंगे, लोन लेंगे। अच्छा ऑफर है सर, क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं तो आगे जाके आपको उससे ज्यादा का लोन का अमाउंट मिल जाएगा। तो कितने का लोन? 30,000 रुपए का। 30,000 में क्या करेंगे, लोन लेगा इसका? जी, अरे क्या करेंगे 30,000 का लेके? तो सर, अगर अभी जो अमाउंट है ना वो इतना ही है, वो क्या है 2 या 3 लाख इतना ही आएगा। अच्छा, और अगर आप ये लोन लेंगे तो आगे जाके आपको उससे ज्यादा का अमाउंट मिल जाएगा। अच्छा, ज्यादा कितना पैसे? जी जैसे कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक मिलता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, 5 लाख तक मिल जाएगा? जी 5 लाख नहीं, 5 लाख तक नहीं मिल पाएगा। अभी जो अमाउंट है वो क्या है वो इतना ही है। अगर आप ये लोन लेंगे तो ही आपको उससे ज्यादा का अमाउंट मिल जाएगा, अगर आप ये लोन नहीं लेते हैं तो ये अमाउंट भी कम हो जाएगा। और इसकी तरफ से आ जाओ। हाँ तो बता देंगे आपको लेना होगा तो फिर। अच्छा, तो कब तक बता देंगे आप मुझे? अरे इस फोन की तो किस्त जमा करते हैं पहले हम। जी क्योंकि आपका इस पे कॉल नहीं लगेगा ना सर ये नंबर पे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप कब तक बता देंगे, मैं आपको कॉल कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो शाम को ले लेना। शाम को बताते हैं। शाम को किस टाइम? 9 बजे। 9 बजे कॉल नहीं कर सकती, ऑफिस बंद हो जाता है। अच्छा, और टाइम लगेगा ना, तब तक लेना। अरे जब आप 6 बजे कॉल कर दूं आपको? हाँ ठीक है, कॉल रिसीव कर लीजिएगा। और किसी मैम का कॉल है तो बोल दीजिएगा कि अभी मेरे से बात हो गई है सलोनी जी से। ठीक है? अच्छा, सलोनी नाम है आपका? आपसे बात करेंगे। हाँ जी, सलोनी पूजा नाम याद रखिएगा। ठीक है, अरे आपसे बात करनी है ना फिर, तो उनसे क्या बात करेंगे? जी अरे आपसे बात करेंगे ना फिर। जी ठीक है, अगर आपको प्रोसेस करवानी है तो मैं आपका डॉक्यूमेंट्स बता दी दूँ। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। हाँ हाँ, इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसमें आपका खाता है तो इसका एटीएम है आपके पास? हाँ हाँ है। एक्सपायर तो नहीं है, चालू है? अरे चालू है। ठीक है, और आपकी जो आधार कार्ड में लोकेशन है, मींस एड्रेस है, उसी एड्रेस पे ना आप अभी? हाँ हाँ, उस एड्रेस से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए तो प्रोसेस होती है, नहीं तो प्रोसेस नहीं हो पाती है। अरे हाँ है। ठीक है, मैं आपको 6 बजे कॉल कर लूंगी। जी आप भी करना फोन? जी जी आप भी करना फोन? जी ठीक है, मैं 6 बजे कॉल कर लूंगी आपको, कॉल रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, आज जब भी लेंगे लोन तो लेने के नियम क्या? अरे लोन लेने के नहीं, फिर आप फोन करेंगे जब भी लेंगे लोन। जी टीवीएस क्रेडिट में आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित हो। आपकी और से कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जी जी आप कर दो ना। हाँ जी सर, ये डॉक्यूमेंट सेव रखिएगा अपने पास, मैं प्रोसेस करवा दूंगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा प्रोसेस करने में। ठीक है जी, कॉल स्क्रीन कर दीजिए।
सर आपकी और से कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अरे आप भी कर दो ना सर, हमें हमारी ओर से परमिशन नहीं है कॉल डिस्कनेक्ट करने की, इसलिए आपसे बोल रहे हैं आप कॉल अरे टच खराब हो गई इसकी, लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा ये। ठीक है।